एक बार मुला नसीरुद्दीन अपने खोते नू छत ते लै गया। जदों उन थले लावण की कोशिश की उन्हें खोता थले कोई ना लवे। मुला साहब सह हिम्मत की सह जोर लाया भी थले लै आवे, सह छिके उन्हें पर थले कोई ना लत्था। मुला नसीरुद्दीन थले आके बह रहे तो सोचने लग पाया भी आपे थले लै उसी गया। मुड़ उन्होंने याद आया भी छत कमजोर है, जे खोते उत्ते कुदना या दुलतियां मारना शुरू कर दितियां तो छत डह जानी है। इस परेशानी च दोबारा छत ते चढ़े तो खोते नूं धक्का देवण लग पै, जोर लावण लग पै भी किसे तरीके थले लै आवे। खोते उन्होंने दुलत्ती मारी तो मुला साहब छत तो ची के भोए ते आ पै। अजे इसे पीड़ च ही बैठे हैं तो खोते जिहड़ा है वह छत उत्ते कुदना शुरू कर दिता। मुला साहब परेशान हैं, छत कमजोर आ। थोड़ी देर बाद जनाब छत टह पई, खोता भी थले आ पिया, छत भी थले आ पई, तो मुला साहब का नुकसान ढेर सारा हो गया। ये तो मुला साहब एक नतीजा कढ़िया कि कभी भी किसी खोते नूं उच्चे मनसब ते नहीं लैके जाना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा नुकसान हर सूरत करेगा। पाकिस्तान च कल इलेक्शन का दिहाड़ा है, कल वोट कास्ट होने ने, तो थोड़े जिम्मे कि तुसी भी किसी खोते नूं उच्चे मनसब ते ना लै जाया, क्योंकि वह खोता जिहड़ा है वह साडा नुकसान जरूर करेगा, इस मुल्क का नुकसान जरूर करेगा। वोट सोच समझ के कास्ट करो, अपने इलाके की तरक्की वास्ते, अपने मुल्क की तरक्की वास्ते सोच समझ के अच्छा फैसला करो। जाती तलकात को थोड़ी देर वास्ते एक पासे रखो, सोचो कि साढ़े मुल्क वास्ते बेहतर की है। तो आखिर तो मोड़ इको गल कि किसी भी खोते नूं उच्चे मनसब ते ना लै जाया, नहीं तो साढ़े मुल्क का नुकसान वो जरूर करेगा।